हिसार के मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की घटना के बाद हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल हैं। सचिव ने कहा कि सोनाली फोगाट के गुंडों ने उनकी पिटाई की, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब है और शरीर दुख रहा है। वहीं इस मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल और उकलाना के पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने मांग करते हुए कहा कि इस मामले में सोनाली फोगाट की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप किस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? सर, मेरे को कल जो सोनाली फोगाट मैम के साथ जो गुंडे थे, उन्होंने जब मारा अर्थ साथ भी हो रहे, चारों तरफ से लात बुक्के और डंडों से मेरी पिटाई की। उसके बाद मैं भाग के दुकान की तरफ आया, फिर मैडम ने दोबारा चप्पलों से पिटाई शुरू की, तो उसके बाद मेरी उल्टियाँ लग रही थी। कल वहाँ भी एक उल्टी लगी थी। मैं सर, कमर में दर्द है और सिर में, यहाँ भी दर्द है सर, सारा एक यहाँ लेफ्ट में यहाँ से दर्द है जी। तो जब सारा अब हड्डियों का डॉक्टर भी अब चेक करेगा जी कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है। मैं इसीलिए हॉस्पिटल में हूँ सर, इतने आदमियों की मार पिटाई बहुत ज़्यादा थी सर। हिसार में बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के मामले में जो घटना हुई है वह बड़ी निंदनीय घटना हुई है। जैसा कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ऐसे मामलों में पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि बीजेपी नेत्री ने सुल्तान सिंह को चप्पल व थप्पड़ से जिस तरह से पिटाई की और पूरे देश ने उसको देखा, और उसके बाद पुलिस ने सोनाली फोगाट व अन्यों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया, परंतु बीजेपी नेत्री होने की वजह से तथा पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से मार्केट कमेटी के सचिव के खिलाफ भी एफआईआर कर दी गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेस पर मुकदमे चलते हैं। इस तरह के केसेस के अंदर एविडेंस एक्ट के धारा 65B की कंप्लेंस करनी होती है। जितने भी वीडियो हैं, रिकॉर्डिंग है, जो बीजेपी अभिनेत्री ने लाइव कन्फेशन किया है, वो सारी रिकवरी करके पुलिस को अपने कब्जे में लेनी होती है। तुरंत इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि कोर्ट में एविडेंस पेश की जा सके। ऐसे मामलों में एविडेंस एक्ट की पालना ना करने की वजह से अपराधी अपराध करने के बाद भी छूट जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, पुलिस से भी निवेदन है कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं नरेश सेलवाल, पूर्व विधायक हल्का उकलाना। जैसा कि आज अभी मैंने वीडियो देखा, सोनाली फोगाट जो बीजेपी की नेता है और आदमपुर से बीजेपी की जो है विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थी, एक सरकारी अधिकारी को जूतों से पीट रही है। ये बीजेपी की सरेआम गुंडागर्दी है। ऐसे नेताओं पर तुरंत पुलिस की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी अधिकारी से को जूतों से पीटने का मुकदमा दर्ज हो, और साथ में जो पुलिस अधिकारी साथ खड़ा है उसको सस्पेंड करके तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। धन्यवाद।